हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ पुनी ब्लॉग। और यहाँ पे हमारे दीदी की मैरिज एनिवर्सरी, मम्मी की चरण स्पर्श कर रहे हैं। आप ही कमेंट सेक्शन पे जरूर इन्हें विश करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, दुरानी जिठानी नंद भाभी सभी लोग। और पीजी भरी लाइफ में सभी लोग इतना व्यस्त रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, ये अच्छे अवसर पर ही, मौके पर ही इस तरह से एकत्रित होकर हमने वीडियो शूट करिए हैं। खास बात यह है कि सभी लोग पीली साड़ियों में मौजूद हैं यहाँ पे। तो कोई ये कह रहे थे कि पहले से इनकी बात हुई है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक ही सब लोग एक जैसी साड़ी पहन के यहाँ पे आ गए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे दीदी लोग हैं, नंद लोग, आप जानती हैं मेरे नंदे हैं दोनों ही, और मम्मी वगैरह सभी लोग हम घर से गए थे। और गए थे हमारी बड़ी बुआ जी के घर, उनके घर पर पिन्नी रखी गई थी। उस दौरान जो है पिन्नी के टाइम पर वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि काफ़ी समय बाद मिलना होता है, तो नए लोगों से भी मुलाकात होती है, तो बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बना पाई, खाना खाते टाइम भी नहीं बना पाई। अब हम यहाँ पे मिलके, बुआ जी की लड़की हमारी दीदी हैं, तो सभी से मिलके विदा ले रहे हैं, घर की ओर आ रहे हैं। तो ब्लॉग जो है बहुत छोटा सा है, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। तो देखिए, विदा लेके हम आ गए यहाँ से, मतलब कि सबके चरण स्पर्श करके आ गए हैं। बाहर पे जो है खाना ये लगा हुआ है, हमने तो ऑलरेडी बैठ के पड़े आराम से बहुत अच्छे से खाना खा लिया है। तो फिर हम दीदी को यानी कि जिठानी को मिलने गए हैं, जो टीका करेंगी। ये बताया था ना कि उस दौरान जो है गिफ्ट दिया जाता है, उपहार दिया जाता है माता रानी की। तो यहाँ पे दीदी वगैरह के टीका कर रही हैं, दीदी ये बुआ जी की बहू यानी कि सबसे बड़ी वाली दीदी ही हमारे जिठानी जी हैं, तो ये हमारे छोटे नंद के टीका कर रही हैं, आप देख रहे हैं। और फिर अब बारी आती है हमारी, तो हमारे भी टीका फाइनली हो चुका है, गिफ्ट जो है मिल चुका है। दीदी हमारे चरण स्पर्श कर रहे थे, क्योंकि सासा देवी का रूप माना जाता है, सुहागन महिला को ही ये पिन्नी खिलाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे दीदी ने रखा था 51 महिलाओं का, तो इस वजह से मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई हूँ, भीड़ थी ज़्यादा, तो आपको पता ही है। और पिन्नी के दौरान ना बिल्कुल भी बोलना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे दीदी जो है मम्मी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। हम लोग आ गए हैं सभी से मिलके, चरण स्पर्श करके विदा लेके आ गए हैं, फाइनली गिफ्ट वगैरह लेके भी आ गए हैं, खाना वाना खा के। और बहुत अच्छा खाना बना हुआ था, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और ये बुआ जी हमारी बैठी हुई हैं यहाँ पर, और मम्मी वगैरह सब लोग आ गए हैं, और काफ़ी अच्छा लगा। और हाँ, दीदी को यहाँ पे जो है मैरिज एनिवर्सरी थी, तो यहाँ पे गिफ्ट भी मिला, जिठानी जी ने गिफ्ट दिया है यहीं पे। और इस मौके पर पिन्नी भी हमने खा लिया, और गिफ्ट भी मिल गया, और सभी लोगों से मुलाकात भी हो गई। ये बहुत से मुलाकात भी हो गई, बिजी भरी लाइफ में किसी को भी टाइम नहीं मिलता है, तो मौके पर ही यहाँ पे कोई ड्यूटी वाले हैं, कोई घर पे बिजी है, कोई किसी शॉप है, किसी का पार्लर है, सब व्यस्त हैं अपने अपने कामों पे। तो आज मौके पर यहाँ पे फाइनली मुलाकात भी हो गई, बहुत अच्छा लगा। सरकारी के लिए वीडियो शूट भी कर लिया, और अपना प्यारा से छोटा सा ब्लॉग भी बन गया, तो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का।